ये जो ड्रामों में निकाह होते हैं वो जायज़ हैं या नहीं है। भाई ड्रामों में जो निकाह होते हैं ना, इसमें इख्तलाफ़ है उलमा का, तलाक़ में भी और निकाह में भी। बाज़ उलमा कहते हैं कि भाई हो जाते हैं, क्योंकि हदीस में आता है तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हकीकत भी हकीकत, मजाक भी हकीकत है, तलाक़ निकाह। तो अगर कोई ड्रामे में अपनी बीवी को कहता है तलाक तलाक तलाक, तो तलाक़ें हो जाएंगी। लेकिन बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ये हज़ल नहीं है, ये हिकायत है। हिकायत का मतलब एक स्क्रिप्ट है, एक कहानी है जो पढ़ के सुनाई जा रही है, लेकिन सुनाने का अंदाज़ क्या है, एक्टिंग करके सुनाई जा रही है। इसकी मिसाल है जैसे किसी ने मुझे कहानी लिख के दी कि एक दफ़ा जैद जा रहा था और जैद के अपनी बीवी से लड़ाई हुई। कहानी है ना, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। और जैद ने अपनी बीवी को कहा कि अपनी बीवी को कहा तुम मेरी बीवी और तुम्हें तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो आपने फौरन वो टुकड़ा काट लिया कि मुफ्ती साहब क्या कर रहे हैं, तलाक दे रहे हैं। तो तलाक नहीं दे रहे, वो क्या हो रहा है कि वो कहानी को नकल कर रहे हैं। तो कैरेक्टर जो ड्रामा है ना, उसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती है, कहानी होती है, कैरेक्टर होती है कि एक मर्द है और एक औरत है, तो उस कहानी को रिपीट कर रहा है वो। तो जब कोई हिकायत के तौर पे किसी अल्फाज को रिपीट कर रहा हो तो वो हज़ल नहीं है, वो नकल है। तो नकल से तलाक वाकई नहीं होती, लेकिन फिर भी ना तलाक होती है ना निकाह होता है, लेकिन फिर भी ड्रामों में ऐसा करना नहीं चाहिए, समझते हो? क्योंकि निकाह और तलाक के बारे में बार बार अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की आयात को मजाक मत बनाओ। तो ड्रामे में अगर किसी ने बीवी को तलाक देनी है ना, तो वो फिर अपनी बीवी को ना दे भाई, किसी और की बीवी को दे दे वो। हाँ, ऐसे एहतियात के बाहर, क्योंकि इख्तलाफ आ गया उलमा का, तो एहतियात का तकाजा ही है। या ऐसा करे कि किसी को बिठा के बोले कि तुम्हें तलाक है, और बाद में आप क्लिप में उसकी बीवी बिठा दें सामने, ठीक है ना, हसल में उसको ना दिया हो, बाद में जोड़ दे क्लिप कोई दूसरा। तो ऐसा कोई उनको हीला इख्तियार कर लेना चाहिए ताकि लोग निकाह और तलाक के खेल को मजाक ना। फिर कोई पूछे कि ड्रामे में तुमने अपनी बीवी को तलाक दिए, तो वो बोल दे कि भाई मैंने अपनी बीवी, उस वक्त मेरी बीवी नहीं थी, मैंने ऐसे किसी को दिए, और बाद में फिर वो एडिटिंग करके वीडियो में बेगम को जोड़ दिया गया। तो फिर थोड़ी तलाक होती है, एक आदमी बैठे बैठे कह रहे तलाक है, तलाक है, तलाक है, किसी ने वीडियो बना ली और बाद में उसकी बीवी को सामने वीडियो में एडिटिंग करके बिठा दिया, तो थोड़ी होगी, वो तो एडिटिंग हुई है ना उसमें। तो ऐसा कोई हीला कर लेना चाहिए, निकाह तलाक के अहकाम के जो मसाइल हैं उनको खेल नहीं बनाना चाहिए।